अरे भैया एक बात आप मुझे तो, आपको कैसे पता जनता ने चुना है? कैसे पता तो आपको? चुन के नहीं आए, चुन के नहीं चूना लगा के आए हैं। चुन के नहीं चूना लगा के आए हैं, याद रखिए, जनता को चूना लगाया है ईवीएम के नाम पर। आपके मोदी के यानी आपके चचा के 56 इंची वाले चचा के सारे वादे झूठे हैं, इसलिए उनकी बढ़ाई करना बंद करो, उनकी गुलामी करना बंद करो, नहीं तो पता नहीं क्यों इस देश की जनता ऐसा ना हो मोदी जी के जाने के बाद इस देश की जनता आपको लतियाने का काम कर रही है। याद रखिए आपकी उम्र मेरे ख्याल से 25 से 26 तो होगी, 25 से 26 साल की उम्र में इन मोहतरमा ने पहली बार मोदी जी के राज में शौचालय देखा है। इससे पहले कौन सी नदी पर जाती थी? बहुत सारे काम किए हाँ। ये अमेरिका का प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका में ही दिखेगा काम, यहाँ दिखेगा ही नहीं। क्या काम किए हैं? 5 किलो अनाज आप जो कह रहे हैं कि 5 साल तक देंगे, ये कह के आप इस देश की गरीब जनता का हर बार मजाक और उपहास उड़ाते हैं। हर बार मजाक, आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो 5 किलो राशन आपका बंद करके आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। क्योंकि जब इनके बच्चों को रोजगार मिलेगा तो जो आदमी 50,000 रुपए महीने के कमाएगा वो 5 किलो राशन भी खरीद सकता है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 बार। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस देश के अंदर विकास और डेवलपमेंट का तो नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया नहीं है। नारा दे रहे हैं 400 पार और नारा दे रहे हैं ईवीएम की बदौलत। अगर ईवीएम ना हो तो 40 सीटें नहीं ला सकती भाजपा, 400 तो दूर की बात है। जनता प्यार करती है, जनता नरेंद्र मोदी को कोई प्यार नहीं करती, वरना मैं कहता हूँ अगर जनता इस देश की नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और नरेंद्र मोदी ने वाकई कोई विकास और डेवलपमेंट का काम किया है तो नरेंद्र मोदी बनारस की सीट को छोड़कर पंजाब से चुनाव लड़के दिखा दे, उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने इस देश में कितना विकास करा है। या केरला से लड़के दिखा दे, कहीं से भी लड़कर दिखा दे, जी आपको पता चला कितना विकास मोदी जी ने हुआ, कितना प्यार जनता करती है। कह रहे हैं 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी। देखिए 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि वो सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, वो सरकार बनेगी ईवीएम के बलबूते पर। मैं आपसे कहता हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी की हवा है और नरेंद्र मोदी जी वाकई 400 पार का दमथम भर रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। जो नरेंद्र मोदी 400 की बात कर रहे हैं ना, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया वही नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। काम पे बोल रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है। अरे 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से उठा दिया तो फिर ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ये कौन है? ये कौन है जरा मुझे बताइए ना, ये मेरे कोई घर का डेटा नहीं है, सरकार ने खुद कहा है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर आज देश के ऊपर बढ़ते कर्जे के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, इस देश के टीवी चैनल और अखबार पर, इस देश के अंदर महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, इस देश में बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, 13.3 लाख लड़कियां इस देश से गायब हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं, और सबसे ज्यादा लड़कियां जिस राज्य से गायब हैं वो मध्य प्रदेश है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। वो मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रिटर्न सरकार बनी है उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी कैसे 400 पार का दावा कर रहे हैं, पहला ईवीएम और दूसरा सीबीआई ईडी इनके बलबूते पर। आज आपने देखा होगा कि आज हेमंत सोरेन के आवास पर जो है वो रेड पड़ रही है, वो भी आपने देखा। उधर लालू प्रसाद यादव के घर पर पड़ रही है, वो भी आपने देखा। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं? जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा सरमा जो कल तक कांग्रेस में हुआ करता था आज बीजेपी में आ गया तो दूध का धुला हो गया, शुभेंदु अधिकारी के दूध का धुला हो गया, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन बीजेपी एक चीज कहती है कि या तो अगर तुम भ्रष्टाचारी हो तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, और अगर तुम बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। आज अगर हेमंत बिस्वा सरमा बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो आप ये समझ लीजिए अब तक हेमंत बिस्वा सरमा जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी चाहे वो मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे फिर वो आपके क्या कहते हैं और भी तमाम घोटाले के लोग हो, हेमंत बिस्वा सरमा हो, ये सब लोग जेल क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इन्होंने कोई जांच नहीं चल रही, मुख्यमंत्री बने बैठा है वो, क्या जांच चलेगी? शुभेंदु अधिकारी पर कौन सी जांच चल रही है जरा कोई मुझे बताए। अगर आप सुन लीजिए, विपक्ष के नेता है जांच विपक्ष के नेताओं पे बैठ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो भारत देश के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। जो करोड़ों देश तो बदल रहा है, निश्चित तौर पर देश बदल रहा है, देश वाक्य में ही बदल रहा है। इस देश के अंदर जिस देश के लोग कहा करते थे कि जिस देश में प्रेम और भाईचारा पाया जाता था, जिस देश में तिलक और टोपी का संबंध एक साथ का था, आज उस देश में नफरत पैदा की जा रही है, तो देश तो वाकई बदल रहा है। जिस देश में दिवाली और रमजान, जिस देश उनको लाएंगे,
कौन सी जनता कहती है, मुझे बता दो। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लाए या आप अपने पिताजी को लाए? मेरे पिताजी लाए मुझे। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, राम को कौन ले आया? ना जो राम को लाए उन्हीं को लाए। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, नारा तो कल को, अगर ये एक बात मुझे बताइए, जैसे डायरेक्ट बीजेपी वाले गोबर उठा के डायरेक्ट मुंह में फंकी मार रहे हैं, आप मार लेंगी ऐसे? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से बीजेपी वाले गोबर और गौमूत्र का सेवन करें, एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, बछड़े को भी इतना पता है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा, गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, तो वो बछड़ा भी गाय का दूध पी रहा है, लेकिन ये इंसान होके गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन करें। मोदी जी मंदिर जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है मोदी जी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आस्था है, नहीं आस्था है तो आप एक बात मुझे बताइए, तो आप भी गोबर और गौमूत्र का सेवन करती हैं? मेरे ऊपर पर्सनल अंदाज आया। क्यों भाई, आप कैसे, आप इस देश में रहती, आप देश में रहती नहीं, आप होती कौन है आप बताने वाली कि पर्सनल जाए नहीं जाए? आप जनता से पर्सनल सवाल करें हैं, और मतलब हम सवाल आपसे कर ले तो मेरे ऊपर पर्सनल जाए, क्यों ना जाए? अपना माइक घर क्या आपको है, जनता को नहीं, जनता प्यार करती है मोदी जी को। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जनता में नहीं आता, मैं विदेश से आया हूँ कहीं से। आप मोदी जी के काम पे सवाल उठाना है तो एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में जो महंगाई है, जो देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उस पे सवाल नहीं उठाऊं? नहीं उठाऊं? देश से 13.3 लाख, मैं आपसे कह रहा हूँ, देश से 13.3 लाख लड़कियां गायब हुई, आप मना कर दो, ये भी नहीं है। जनता सड़कों पे नहीं है ना, जनता को सड़कों पर आने दे रहे हैं? आप प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देते, आप लोगों को बोलने की आजादी नहीं देते, कोई आपके खिलाफ बोल दे उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो, तो जनता आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी जनता, ये बताइए ना आप मुझे। कह तो रहे ना कि मोदी, क्या मोदी, मोदी जी आएंगे, खुद कह रहे हैं। कहाँ से आएंगे मोदी जी, अभी तक देश में रहते, विदेश में रहते हैं। चुनाव में जीतेंगे ना फिर से, तीसरी बार मोदी सरकार, कैसे जीतेंगे? अरे भैया ईवीएम के दम पर ही तो जीतेंगे, अपने काम पे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने माइक आपने पकड़ रखे सिर्फ मोदी जी के, कितने काम गिना दो, ये चार माइक है, चार काम गिना देना मोदी के। और 5 साल तक देंगे कह रहे हैं, 5 किलो अनाज आप जो कह रहे हैं ना कि 5 साल तक देंगे, ये कह के आप इस देश की गरीब जनता का हर बार मजाक और उपहास उड़ाते हैं। हाँ। हर बार मजाक, आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हाँ। तो 5 किलो राशन आपका बंद करके, हाँ। आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे, हाँ। आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, हाँ। क्योंकि जब इनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, हाँ। तो जो आदमी 50,000 रुपए महीने के कमाएगा, हाँ। वो 5 किलो राशन भी खरीद सकता है। ये 5 किलो राशन देकर इस देश की जनता को मानसिक तौर पर अपाहिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई, हाँ। है जी मोदी जी राम मंदिर जा रहे हैं, इससे आपको दिक्कत क्यों हो रही है? किससे? ये पहले अपना कैमरा रख के इधर आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत हो रही है, किसलिए हो रही है। मैंने कौन सी दिक्कत की? अभी राम मंदिर है, कोई चर्चा हुई? अरे राम मंदिर जाने से एक बात आप मुझे बताइए, राम मंदिर पे भी कोई चर्चा हुई? ये ऐसे पत्रकार हैं जो इस देश के अंदर घर पे पढ़ते हैं नहीं, लिखते हैं नहीं, इनको कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, मुद्दा उठा कर ले आते हैं मंदिर और मस्जिद का, मंदिर और मस्जिद इस देश के मंदिर की बात हो रही ना, मस्जिद नहीं। तो ये आपके साथी को समझाइए ना, ये साथी को समझाइए, साथी को आगे बुलाएं। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अरे लोग इनके साथी नहीं है भैया, ये तो आप ही के पत्रकार हैं, आप ही के साथी, मैं अपनी बारात में तो उनको लेकर नहीं आया हूँ सबको, आप करिए ना, हमारे मेरे साथ कहाँ से आए? चुनाव की बात करें, हम मुद्दे पे बात बताइए, तो मुद्दा बताइए ना, मुद्दा क्या है, क्या है मुद्दा, क्या है, क्या क्या काम किए? शौचालय बनवा दिए, घर घर पानी पहुँचा रहे, उज्ज्वला योजना तक गैस दे दी। आपकी उम्र मेरे ख्याल से 25 से 26 तो होगी, 25 से 26 साल की उम्र में इन मोहतरमा ने पहली बार मोदी जी के राज में शौचालय देखा है, इससे पहले कौन सी नदी पर जाती थी? बहुत सारे काम किए ना, बहुत सारे, अरे भैया बहुत सारे काम कहाँ किए, हाँ। ये अमेरिका का प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका में ही दिखेगा काम, यहाँ दिखेगा ही नहीं, क्या काम किए हैं? एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, देखे ना रोजगार बढ़ रहा है। इससे पहले तो पानी में से जहाज उड़ते होंगे, फ्लाइट पानी में से उड़ती होंगी, इससे पहले तो एयरपोर्ट थे ही नहीं। सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल, अच्छा सड़कों का जाल जो बिछा दिया है आपने, इससे पहले तो सड़क थी नहीं इस देश में, कम थी ना, है कम थी, अच्छा पहले कहीं भी जाते थे ज्यादा समय लगता था, अब 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा तो सड़क बना दी इन्होंने, बुलेट ट्रेन चलवा दी सड़कों पर ही, 2-3 घंटे पहुंच जाएंगे। एक बात मुझे बताइए, पहले आदमी तैर के जाता था, पहले सड़कें नहीं थी, इंतजार करें बुलेट ट्रेन भी आएगी। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने जो पत्रकारिता करी है ये साल 2014 में ही करी है क्या? उससे पहले तो स्कूल ही नहीं होगा इस देश में, हम तो भूखे नंगे थे, आप तो पीपल का पत्ता पहन के घूमती होंगी सड़कों पर, है ना? मोदी जी आए, आपको नए कपड़े दिलाए, आपको स्कूल बनवाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, मोदी जी की गारंटी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पे मैंने भरोसा किया, जाओ 15 लाख निकाल के दो, 5 लाख आपको दिए, 10 लाख ही दे दो मेरे, वो जो ना एक बात को पकड़ के बैठे, 2 करोड़ रोजगार दिला दो, रोजगार तो दे रहे ना, चलो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवा दो, एयरपोर्ट बना रहे हैं ना जगह जगह, एयरपोर्ट बना रहे हैं, अरे एयरपोर्ट तो अभी भी बने हुए हैं, आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवाओ ना, आपके मोदी के यानी आपके चचा के 56 इंची वाले चचा के सारे वादे झूठे हैं, हाँ। इसलिए उनकी बढ़ाई करना बंद करो, उनकी गुलामी करना बंद करो, नहीं तो पता नहीं क्यों इस देश की जनता ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मोदी जी के जाने के बाद
इस देश की जनता आपको लतियाने का काम कर रही है, याद रखिए। तो दिखा रहे हैं ना, अच्छे काम कर रहे हैं तो दिखाएंगे। कौन से अच्छा काम कर रहे हैं हमें तो बता दो। तो जनता ऐसी दो दो बार चुन के आई है, इस बार 400 के पार बोल रहे हैं, इस बार तो 400 के पार तो बिल्कुल आएंगे। ईवीएम इनकी है तो 400 के पार ही आएंगे। तो हार देखते हुए ईवीएम का आ गया जी। अब आप जब हार जाए तो ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ दे। आप एक बात, जनता प्यार करते हैं मोदी जी को, भी जनता ही ने चुना है, दो बार प्रधानमंत्री बने हैं। अरे भैया एक बात आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता जनता ने चुना है? कैसे पता आपको? चुन के नहीं आए, चुन के आए हैं, अब वोट देते हैं। चुन के नहीं, चूना लगा के आए हैं। चुन के नहीं, चूना लगा के आए हैं, याद रखिए। जनता को चूना लगाया है ईवीएम के नाम पर, याद रखिए। जनता को विदेशों में डंका नहीं, लंका लग रही है देश विदेशों में, हमारे देश की डंका नहीं लग रहा है। पहले जो लोग नाम भी नहीं जानते थे वो सब मोदी जी का नाम जानते हैं। अच्छा, डंका बज रहा है। अच्छा, पहले कोई नाम ही नहीं जानता था इस देश का? अरे पहले जहाँ लोग दूसरे देश में बताने से डरते थे कि हम यहाँ से आए, अब गर्व से कहते हैं कि हम भारत। अच्छा, कितने विदेश घूमी आई आप? कितने विदेश घूम के आई हो? जनता बताती है ना। कौन सी जनता? जो जनता बताती है ना, उसको कुछ दिन यहाँ ला के खड़ा करो। हाँ। उसको मैं जवाब दूंगा। हाँ। हमारे देश को आपको पता है, हमारे देश के सम्मान में डाक टिकटों पर फोटो लगाई गई। हाँ। कभी जाकर देखिए विदेशों में। हाँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सिटियों में फोटो लगा रखी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं लगी हुई है? आप मुझे बताइए ना। और तरक्की और विकास हुआ है तो भैया कितनी तेजी से हुआ, आपने देखा नहीं? एक छोटा सा व्यापारी जो कल तक चाय बेका करता था, आज पूरा देश बेक रहा है। तो तरक्की नहीं है तो क्या है? बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। बर्दाश्त ये नहीं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, वेल गुड, लेकिन चाय बेचने वाला देश बेक रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बेच दिया? जो चीज घाटे में जा रही उसको डेवलप कर रहे, क्या बेच दिया? तो रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल आपके चाचा आपके घर में चला रहे हैं, घाटे में जा रहे थे ना, घाटे में जा रहे थे। आप एक मिनट, आप इंजीनियर हैं क्या हैं? आपको क्या पता कि कौन से घाटे में जा रही है? आप ट्रेजरर लग रही है ना, सरकार कह रही है ये बात। अपने देश का बजट कितना है, टोटल बजट कितना है देश का, आपको बहुत पता है? इधर आओ, अरे बताओ ना इधर आके बजट। ये माइक में हाथ में आप पकड़ लेती हो, पता कुछ है नहीं, घर से पढ़ के आती हो? आपके सवाल के जवाब है नहीं, आप ही बताते। अरे मेरे पास सवाल का जवाब नहीं, आप दे दो। भारत देश का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, जरा बताओ। पूछ रहे हैं तो आप बताएं। ये आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ इस देश में मोदी जी की गुलामी करने का। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का बजट कितना है, इन्हें ये नहीं पता इस देश, ये इस देश के ऐसे पत्रकार हैं सिर्फ, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी जी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 10 मिनट के बाद में वो पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी शर्ट पहनेंगे। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18-18 घंटे काम करते, गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। किसी मील में मजदूरी कर रहे हैं क्या, 18 घंटे काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा काम मैं कर लूं? करते क्या है आदमी? जब मैं आया तब विदेश घूमने चले गए, जब जी में आया तब रोना शुरू कर दिया। काम है। कोई मुझे बताए प्रधानमंत्री का काम क्या? जैसे कि मजदूर का काम है मजदूरी करना, प्रधानमंत्री का क्या काम है कोई बताएगा मुझे? बताइए ना आप मुझे, मतलब आप ऐसे ही एडवोकेट हैं, आपको मुझे आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ये प्रधानमंत्री का काम है मंदिर का उद्घाटन करना? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पर ये लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा? प्रधानमंत्री गए थे जजमान। अरे अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री करेगा तो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या शंकराचार्य करेंगे? मोदी जी कर रहे हैं। ये कहो ना कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तो बनाए ही नहीं है। जनता को मंदिर और मस्जिद में उलझा दो, इसी के नाम पर जनता को चूना लगाकर वोट लेते रहो। इस देश की जनता वाकई में अब समझ में, देखिए जब ये देश गुलाम हुआ तब तो हम थे नहीं, आज समझ में आता है कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये देश गुलामी ऐसे हुआ कि इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ा दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। वही आज इस देश में हो रहा है, आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। अभी आप एक बात मुझे बताओ, इस देश के अंदर एक व्यक्ति जो नॉनवेज बीफ सब खाता है, उसका नाम था वसीम रिजवी, इसको इन्होंने वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बना दिया, ठीक है जी। और हमारे ही देश के जो लोग हैं, हमारे ही जो भाई हैं, उनको ये कहते हैं कि ये शूद्र हैं, ये दलित हैं, बहुजन हैं, उनको समान अधिकार नहीं देते, उनको कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उन्हें मूछ नहीं बढ़ाने देते। तो अपने ही लोगों को तो आप पास में, मोदी जी ये नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसको थोड़ा सा बदल दो, सबका साथ और सबका सत्यानाश, सर्वनाश करने के लिए ये आदमी आए हैं। हाँ। और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं आपसे पैसा लेके चला गया। हाँ। अगर मैं आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा तो आप मेरे घर और परिवार पर जाकर मेरे परिवार से पैसे रिटर्न ले। हाँ। लेंगे। अगर कल को ये देश बिक गया। हाँ। तो मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात, किसे पकड़ोगे आप जरा मुझे ये बता दो। तो नरेंद्र मोदी इस देश को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार सबके बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर भ्रष्टाचार चंद लोगों के बीच सीमित रह गया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज, अरे मोदी जी का चाचा रुक जाओ,
मुझे पता है, रुक जाओ, आपका बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा आपको, इतनी जलन हो रही है वो जलन सारी मिटवा दूंगा, दो मिनट थम जाओ, अब सुन लो, मुझे पता है इनसे मोदी की बर्दाश्त नहीं होती बुराई। तो इस देश की इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर भ्रष्टाचार कुछ चंद लोगों के बीच में सीमित होगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा, और आज देश में यही हो रहा है, भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ नियमित लोगों के बीच में हो रहा है, अंबानी अडानी के बीच में हो रहा है बस, और किसी के बीच में नहीं हो रहा, या फिर हो रहा है तो भाजपा के जो गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनके बीच में हो रहा है। और सबसे बड़ा ये देखो भ्रष्टाचारों के खिलाफ ईडी छापा पड़ रहा है ना, मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, ये बात भी कही है मोदी। अच्छा मोदी जी कौन सी एजेंसी में है, कौन सी एजेंसी में? वो जो कह रहे थे कि मेरे पास काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, कौन से तकिए में डाल के सिल दी वो लिस्ट जो निकल गई? भाइयों बहनों, काला धन अगर विदेश से आ गया तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक कहाँ है 15-20 लाख? 15-20 लाख आना तो दूर की बात। और जो जनता के बैंक में बैंक अकाउंट थे उनको भी मान लिया और ये नीरव जैसे उड़ा कर ले गए। 24 में मौका दें, हाँ, ताकि जो बच्चे कुचे बैंक है उनको भी उड़ा दें, इसीलिए मौका दें ना, जो बच्चे कुचे बैंक है उनको भी उड़ा दें, ना रहेगा बात और ना बच्चे की बात सुनी। फकीरू झोला उठा के चल दूंगा, हाँ तो वो तो झोला उठा के चल देंगे, फक्कर फकीर है और आपको भी फकीर बना जाएंगे, वो फकीर तो राजा बन जाएगा लेकिन आपको फकीर बना जाएगा, जैसे वो कहता है ना मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, तो आपको भी मंगवाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाएगा, चिंता मत करिए, इस देश में नंबर सबका आएगा, आप आज दूसरे का उपहास उड़ाइए कल नंबर आपका भी है। आप जितनी गुलामी कर रही है ना, जितनी गुलामी आप कर रही है, अगर नरेंद्र मोदी सरकार में इस देश की जनता ने इस देश के पत्रकारों को भीख नहीं मंगवा दी ना, तो वो वक्त भी आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।